नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल यात्रा में स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ दौसा। दौसा के बांदीकुई के पास ही 7 किलोमीटर दूर आबानेरी नाम से गांव है। वहाँ पर है बावड़ी जो कि चांद बावड़ी के नाम से प्रचलित है, जो कि 100 फीट गहरी यानी 30 मीटर गहरी है। और इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया है। ये एशिया की सबसे गहरी बावड़ी है, जो कि आप देख सकते हो गहरी और कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई है। यह चांद बावड़ी है, चांद राजा यानी चंदा के नाम पर पड़ी हुई है। इसकी गहरी की बात करें तो 100 फीट यानी 30 मीटर गहरी है और ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनी बावड़ी है। इस बावड़ी के अंदर जो पानी है, जो अभी तो बारिश का पानी है और जो रेन वाटर है इस वही स्टोर हुआ है। इससे पहले जब ये ग्राउंड लेवल वाटर से ही पहले सप्लाई होते थे। यहाँ लोग पानी पीने या बड़ी बड़ी लंबी यात्रा होती है तो इस यात्रा के दौरान यहाँ आके पानी वगैरह पीते थे और गांव में भी इसी से सप्लाई होती थी, इस बावड़ी से। लेकिन आज के दिन ये ग्राउंड वाटर थोड़ा नीचे ज़्यादा चला गया, तो अभी बारिश का पानी है उसी से ही ये चल रही है। तो वहाँ पर इंसान देख सकते हो वो नीचे से बाल्टी भर रहे हैं, तो बहुत ही गहरी है, देख सकते हो आप। वो देखो नीचे जा रहे हैं बाल्टी भरने के लिए, अभी भी नीचे जा रहे हैं वो। अबे इधर आ गए, वो इस तरफ नीचे आ गए। चांद बावड़ी के पास ही बना हुआ मंदिर है विशाल, जिसका नाम है हर्षद माता मंदिर। इसका निर्माण भी चौहान वंशी राजा चांद द्वारा 8वीं 9वीं शताब्दी में किया गया है, जो कि तत्कालीन आबानेरी गांव है, जो बांदीकुई से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है और दौसा से 25 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये मंदिर और चांद बावड़ी बने हुए हैं। हर्षद माता मंदिर है, वो भी पुराना मंदिर है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर भी मूर्तियाँ वगैरह सारी की सारी खंडित ही मिलेगी। एक भी ऐसी मूर्ति नहीं है, एक भी ऐसी डिजाइन नहीं है जो खंडित ना हो, सब तरीके से खंडित की हुई मिलेगी यहाँ पर भी आपको। जी प्राचीन मंदिर है, 8वीं शताब्दी का। 8वीं शताब्दी में। और इसका निर्माण किस राजा ने करवाया? इसका निर्माण राजा चंद्र ने करवाया, चंद्र राजा, चंद्र या चंद्र राजा। हाँ। अच्छा, वो थे ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है भाई, इसको एक रात के लिए बनाया गया है, एक रात का। अच्छा, मंदिर चांद बावड़ी दोनों एक रात का बना हुआ है। अच्छा, दोनों एक रात का बना, बताते हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं ना। और ये मूर्ति तो बाद की है या पहले की? ये मूर्ति बाद की, बाद की है। वो पहले मूर्ति थी वो तो लेके गए, पहले की वो नीलम की मूर्ति थी, वो चोरी हो गई, चोरी हो गई। उसके बाद फिर नवस्थापित, अच्छा नवस्थापित मूर्ति है ना, हर्षिद्ध माता, हर्षिद्ध माता जी उन्होंने निर्माण करवाया, एक रात का बताया जाता है ऐसे, मतलब जी जो गवर्नमेंट के द्वारा तो ऐसे बता, वो जो अभिलेख है वो तो अलग है। और जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना, जो गांव के, वो बताते हैं कि भाई एक रात की, ऐसे गांव के किसी बुजुर्ग से पूछो तो यही बताता है भाई कि एक रात में बना चांद ये बावड़ी और ये मंदिर। अच्छा जी, बैठने हमारे पास।